न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश में छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों के लिए 162 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरेंगे। प्रत्याशी में 146 पुरुष और 16 महिला शामिल हैं। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संतकबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही सीट के लिए मतदान होगा। 25 मई को 1260 बूथों पर चुनाव कराने के लिए गुरुवार को पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम से लोकसभा श्रावस्ती में गैसेंडी विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सीडीओ संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री दी गई है। सामग्री लेकर पोलिंग पार्टियां बस और छोटे वाहनों से बूथों पर पहुंचाया जा रहा है। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के यहाँ से बलरामपुर गैसड़ी और तुलसीपुर तीन विधानसभाएं आती हैं, जिसके लिए 321 वाहनों को लगाया गया है। यहाँ से पोलिंग पार्टियों की रवानगी की पूरी तैयारी कर ली गई है एवं ड्राइवरों और अन्य लोगों के यहाँ खाने पीने की और पानी का प्रबंध है और यह सुचारू रूप से संपन्न करा लिया जाएगा। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो है हमारी तैयारी बहुत पुख्ता है और बहुत माइक्रो स्तर पे हम लोगों ने रणनीति बना करके रखी है, जो कि महीने भर के पहले की है। और उसी के क्रम में जो है आज हमारी पोलिंग पार्टी जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल उसी प्रकार से जो है यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है। करीब 1260 हमारे पोलिंग बूथ जो हैं बलरामपुर जनपद में हैं और 844 बूथ जो हैं श्रावस्ती जनपद में हैं। तो हमारे टोटल 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसमें और इसकी रवानगी श्रावस्ती से भी हो रही है और यहाँ से भी हो रही है। हम लोगों ने जो मापदंड अलीगढ़ में किसान साथा चीनी मिल्स में चीनी घोटाले का मामला सामने आया। 30 दिन में 35 लाख कीमत की 1100 क्विंटल चीनी बंदरों के द्वारा खाना अभिलेखों में दिया गया दर्शाया। ऑडिट रिपोर्ट में मामला उजागर हुआ है। मामले में प्रबंधक लेखा अधिकारी से 6 को दोषी पाया गया। मामले की गन्ना आयुक्त को भेजी गई रिपोर्ट। वहीं मिल्स के स्टोर कीपर अन्य कर्मचारी ऑडिट रिपोर्ट को बता रहे हैं हवा हवाई। 528 क्विंटल चीनी बंदरों के खाने और बारिश के पानी से होना खराब बताया जा रहा है। बीते 4 साल से मिल्स के लिए मेंटेनेंस भत्ता नहीं मिला है, इसलिए जिला प्रशासन को कई बार लिखा जा चुका है, पर जिला प्रशासन ने नहीं कराया कोई समाधान। अब जो मौजूद है, एक तो ऑडिटर साहब यहाँ आए नहीं, वो ऊपरी ऊपर निरीक्षण कर लेंगे। ठीक है हाँ। अगर उनसे आज भी इनसे गिनवाया जाए तो वस्तु स्थिति नहीं बता पाएंगे। ठीक है सर। और रहा बंदरों का हिसाब, मेरे शटर टूटे हुए नीचे से आप देख सकते हो वस्तु स्थिति जो आपके सामने है। इधर मेरे जो गोदाम है इनकी छत जर्जर अवस्था में हो रही है, बारिश के टाइम में पानी आता है। बंदरों ने इतनी क्षति पहुंचाई है जितनी बारिश से ज़्यादा हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फरिंदा थाना क्षेत्र के जयपुरिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि नया भारत है, किसी को छोड़ता नहीं है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। ये भारत किसी को धमकी नहीं देता, यदि कोई धमकी देता है तो ये भारत उसी की भाषा में जवाब देता है। श्रेय लेना चाहिए, आज आप इस बात के हकदार हैं कि आप अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को कहने के अधिकारी हैं कि राम मंदिर हमने बनाया है। बोलिए इस बात को। अगर मोदी जी को और योगी जी को ताकत मिली है तो आपके वोट की ताकत मिली है। आप जब कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट डालते हैं ना, तो यही वोट हम सब की ताकत बनती है और उसी वोट पर हम हिंदू विरोधियों को, सनातन विरोधियों को, भारत विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देकर के। वॉटर पूल में पानी तैरता दिखा टाइगर, टाइगर की वीडियो लोगों ने अपने कैमरे में कैद की। टाइगर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। घने जंगल में वन्यजीवों के पानी पीने के लिए बनाया गया है वाटर पूल। आजमगढ़ टाइगर रिजर्व इलाके का पूरा मामला। लोकसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने की तैयारियां पूरी। लोकसभा श्रावस्ती में कल 25 मई को होंगे मतदान को लेकर पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है। पोलिंग पार्टियों का मतदान केंद्रों पर जाने की सभी व्यवस्थाएं पूरी हुई हैं। जिलों में 500 मतदान केंद्रों के साथ 844 मतदेयस्थल पर मतदान होगा। मतदान स्थलों पर 63 निरीक्षक, 1286 आरक्षी, 1300 से ज्यादा होमगार्ड, 43 सैनिक बल सेशन में तैनात रहेंगे। मई को 58 श्रावस्ती लोकसभा सीट के 2 विधानसभाओं के लिए, श्रावस्ती और भिंगा के लिए 844 मतदान केंद्रों के लिए आज हमारे यहाँ से भिंगा कलेक्ट्रेट से पार्टियां आज रवाना हो रही है। सभी पार्टियां आस्ते आस्ते अपनी मशीनें और बाकी सामग्री कलेक्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 2 बजे तक हमारी सारी पार्टियां रवाना हो जाएंगी और दोपहर 3 बजे तक सकुशल सब अपने अपने मतदेय स्थलों पर पहुंच जाएंगे।
घरेलू विवाद में महिला पर एसिड अटैक, आनंद फानंद में जुलसी महिला को लाया गया जिला संयुक्त अस्पताल, चिंताजनक हालत में महिला को रेफर किया गया। एसिड से हमला करने वाले आरोपी पति ने भी कीटनाशक खा लिया, हालत बिगड़ने पर आरोपी पति को भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस के अधिकारी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। करीब 30 साल पहले हुई थी महिला फरजाना की जबान से शादी, सदर कोतवाली इलाके के नई सराय का ही पूरा मामला। किसने डाला तेजा? पापा ने। क्या नाम है पापा का? रिजवान। घर में कोई बात हुई थी क्या? नहीं, कोई भी बात नहीं थी। क्या करते हैं आपके दोस्त? आज क्या बात हुई थी, क्यों डाला तेजा? आज तो कोई बात ही ना थी। इससे पहले कोई विवाद चल रहा था क्या? इससे पहले हुई थी लड़ाई, आज तो कोई बात ही ना। रोज की लड़ाई है। किस बात को लेकर होती है? रोज ऐसे लड़ते हैं, पकड़ते हैं, बात बात होता। मैं कहाँ का है आपकी अम्मी का? नहीं सराय गई। तो आज आप जिला अस्पताल लेकर आए हो आप सभी? कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के अंदर एक युवक आशीष कुमार श्रीवास्तव ने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। जैसे युवक ने मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालने की कोशिश की तो फौरन ही वहां मौजूद पुलिस वालों ने युवक को धर दबोचा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार आशीष ने बताया कि वो धोखाधड़ी और मिथ्या आरोप के चलते मानसिक उतारना का शिकार है, जिसके चलते उसने ऐसा निर्णय लिया। पूरे पुलिस महकमे में हाथ पांव फूल गए। आशीष के अनुसार जोही थाना क्षेत्र निवासी मुख्तार अहमद उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवा रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग में सांठगांठ करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लिखित में शिकायत दे रहे हैं। मैं गुंडा हूं और क्षेत्र में हफ्ता वसूली करता हूं। मैंने न्याय पाने की कोशिश करी लेकिन पुलिस वालों ने मेरी एक नहीं सुनी, जिस कारण मैंने आत्महत्या जैसा कठोर फैसला लिया। संस्था के मंत्री को मदरसे का मंत्री बना के हमसे झूठे जमीन दान ले लिया मदरसे के नाम पे, और उसके बाद मेरे ही ऊपर फर्जी कार्रवाई करने लगा। कुछ लोगों के साथ मिलकर हलफनामे सरकार को दे रहा है कि मैं जो है एक गुंडा हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं जिन लोगों से ब्लैकमेलिंग करता हूँ, मैं जो है करोड़ों रुपए का इन लोगों से हफ्ता वसूली करता हूँ, महीने का पैसा 20,000-25,000 मांगता हूँ। जिन लोगों के हलफनामे दिए हैं वो उसमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हैं, मंजर हैं, मुख्तार अहमद खान है, मंजूर अहमद खान है, सुल्तान अहमद खान है, चंद्रमोहन है और इसरत अली है। इसरत अली जो है अंगूठा छाप। सहारनपुर के नागल कस्बे में पॉलिटेक्निक के छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव के बाहर पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने 6 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में दर्ज दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सहारनपुर जनपद के नागला क्षेत्र के गांव ताजपुर निवासी पिंकी का बेटा गौरव कस्बे में एक लैब पर काम करता था, जो पॉलिटेक्निक का छात्र भी था। बुधवार देर रात वो अपने घर लौट रहा था, इसी दौरान रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। ग्राम बड़ेड़ी कोली के बाहरी गांव के बाहरी तरफ के रास्ते पर एक 19-20 साल के युवक का शव मिलने की सूचना वहां पर प्राप्त हुई, तो इस सूचना पर तत्काल थाना नागल पुलिस एवं फॉरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा भी वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। जो मृतक है उसके गले पर चोट का निशान था, तो इसी के आधार पर शव को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। परिजनों की तहरीर पर यहां पर 6 लोगों के विरुद्ध 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लोकसभा चुनाव के महापर्व में भागीदारी के लिए जनता और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बस्ती लोकसभा सीट 61 पर छठवें चरण में 25 मई को मतदान होना है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर रवाना की जा रही है। NH 28 पर स्थित नवीन मंडी स्थल से पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हुई। बस्ती लोकसभा सीट के 5 विधानसभाओं में वोटिंग के लिए 1482 मतदान केंद्र, 2151 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। DM अंद्रा वामसी और SP गोपाल चौधरी मंडी स्थल में मौजूद रहे। DM ने कहा कि मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। बस्ती में निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस द्वारा सारी व्यवस्था कर ली गई है। करीब 20 सेक्शन CAPF PAC हमें बाहर से मिली है, जिनका व्यवस्थापन हो गया है। उनको कल अच्छे से ब्रीफ कर दिया है, वो आज मतदान केंद्र बूथ के लिए रवाना हो रही है। सभी फोर्स आ गई है, करीब आधे घंटे में सभी लोग रवाना होकर पहुंच जाएंगे। सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। कल ये ड्यूटियाँ सुबह टाइम से लग जाएगी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में अलग से ड्यूटियाँ लगी है, जो भ्रमणशील रहेगी ताकि वल्नरेबल लोग को कोई दिक्कत ना हो पहुंचने के लिए, किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं सामना करना पड़े और सभी लोग निडर होकर निर्भीक रूप से मतदान कर सकें। अब इन लोगों को बसेस में बिठा के शाम तक अपने जो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना है हमारी जिम्मेदारी, जो जिसके साथ CAPF फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस भी लगे हैं। साथ में ये भी कहना है कि आधे से ज़्यादा हमारे पोलिंग बूथ्स वेबकास्टिंग से जुड़े हैं, जो लखनऊ मुख्यालय से सीधा उसकी लाइव टेलीकास्टिंग देख सकते हैं।
लेकिन वो मतदान की जो सीक्रेसी है उसको ध्यान पे रखते हुए ये सारी चीज़ हम लोग ने सुनिश्चित करा दिया था वेबकास्टिंग। अन्य जो 1000 पोलिंग बूथ्स है जिसमें हमारा माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी हैं, हमारा जो वीडियोग्राफर्स भी हैं। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी की काफी चर्चा हो रही है। जिले की खास हस्तियों समेत कलाकारों और बड़े व्यापारियों के पास पीएम मोदी की चिट्ठी आई है। चिट्ठी में पीएम ने काशी के गौरव और आध्यात्म से खुद को जोड़ा हुआ बताया गया है। बीएचयू के प्रोफेसर चिकित्सकों के घर पर भी यह चिट्ठी पहुंचाई गई है। अंदर लिखा है, सादर नमस्कार, आपको अवगत कराना है कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। काशी लोकसभा में 1 जून को मतदान होना है। काशी में आप सबके आत्मीय प्यार ने मुझे बनारसी बना दिया। केवल सांसद ही नहीं बल्कि स्वयं को काशी की बेटी के रूप में पाता हूँ। आप सबसे निवेदन है कि 1 जून को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े। आपके एक वोट की ताकत से आज देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है। भारत को सर्वमान्य बनाने में आपका ही बड़ा योगदान है। हम काशी की बात करें तो मुझे अधिक आपको पता है, इन 10 सालों में काशी के विकास को लेकर हमने जो संकल्प लिए थे एक एक करके पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2000 पत्र भेजे हैं जो पर्सनल पत्र हैं, हर आदमी के नाम से पत्र हैं। ऐसे 2000 पत्र में अभी तक करीब करीब 1600 के आसपास हम लोग बांट चुके हैं। ये प्रक्रिया पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से चल रही है और मैं अकेला ही नहीं, मेरी टीम में बहुत सारे वाराणसी के लोग लगे हुए हैं, जैसे कल्लन मिश्रा जी हैं, शिवम जी हैं, वैभव जी हैं और सारे लोग पूरी टीम के साथ लगे हुए। मेरे साथ जैसे प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश जी हैं, विनय जी हैं, तो हम सब मिल करके एक दूत बन करके प्रधानमंत्री मोदी जी का काशीवासियों के घर घर जा करके उनको पत्र देने की कोशिश। झांसी जिले के तहसील गरौट के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकार साथी राजेंद्र बुंदुलय, कृष्ण कुमार सोनी, कृष्ण चंद पाठक की तहरीर पर अरेस्ट थाने मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने पर कोई कार्रवाई न होने पर पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने की धमकियों को लेकर दर्जनों पत्रकारों ने DIG जिलाधिकारी SSP को ज्ञापन सौंपा है। भारी संख्या में हमारे गरोठा तहसील से पत्रकार झांसी आए। 2 दिन पहले एक वाक्य घटा था, घाट से एक सूचना आई कि लिफ्टर से कोई मजदूर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना गलत थी लेकिन चूंकि पत्रकार सूचना पर जाते हैं तो पत्रकार पहुंचे मौके पे और घाट पर पहुंचे। तथाकथित रूप से जो पत्रकारों ने आरोप लगाया कि घाट एक माननीय चला रहे हैं और उनका बेटा चला रहा है, वो उनके गुर्गे कुछ घाट पर मौजूद थे। जैसे ये लोग घाट पर पहुंचते हैं तो वहां से आवाज़ आती है, एक अभद्र शब्द है। हमारा बोलना इसलिए ज़रूरी है कि जो कहा गया, चूँकि हम शब्द टू शब्द लिखते हैं तो जो कहा गया वही हम आपको बता रहे हैं, तो एक प्रकार से ये तो गाली। 2 दिन पहले हमको 13 से सूचना मिली, ग्रामीणों ने फ़ोन किया है कि 13 पे जो खनन हो रहा है उस लिफ्टर से एक लड़का गिर गया है। तो हमारे साथी कवरेज करने के लिए घाट पे पहुँचे। कवरेज करने के ही पहले घाट के दबंग लोगों ने सत्ताधारी विधायक दमंग विधायक के लाल राहुल राजपूत द्वारा हम लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से वार किया गया है, हम लोगों को मारा है। करीब मारने वाले 15 से 20 लोग थे, हम मात्र 3 लोग थे। हम लोगों को मारा, हम लोगों की गाड़ी घोड़ा तोड़ दी। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर 25 मई को यानी कि कल मतदान होगा, जिसको लेकर केंद्रीय विद्यालय मंडी परिषद से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। वहीं सुल्तानपुर जिलाधिकारी ने मतदान को सकुशल संपन्न कराने को लेकर कहा कि जिले में चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं, सभी को उनकी ड्यूटी के बारे में अच्छे से ब्रीफ कर दिया गया है। आज यहाँ केंद्रीय विद्यालय और मंडी परिसर से हमारी पोलिंग पार्टीज की रवानगी हो रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1991 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें रैंडमाइजेशन के बाद रिजर्व मिला के 9040 हमारे मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। आज इनकी रवानगी यहाँ 445 बसें और लगभग 700 छोटे वाहनों के जरिए करी जा रही है। हमारी मोस्ट ऑफ द पोलिंग पार्टीज ने आकर के अपनी जो रिलेटेड संबंधित EVMs थी वो मशीनें उन्होंने प्राप्त कर ली हैं, वो बसेस में चली गई हैं और अब हमारी बसें निकलना भी स्टार्ट हो गई हैं। थोड़ी ही देर में हम अपनी पार्टी रवानगी पूरी सुनिश्चित करा लेंगे। नाबालिग प्रेमिका ने अपने प्रेमी से मिलने से किया इनकार, तो नाराज प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के अश्लील फोटो किए वायरल। आपत्तिजनक फोटो से प्रेमिका के परिजनों का फूटा गुस्सा, आरोपी प्रेमी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। बता दें कि प्रेमी और प्रेमिका अलग अलग समुदाय के हैं। पूरा मामला आदमपुर थाना क्षेत्र का है। कासगंज में चकोरी प्लांट मालिक अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसानों की चकोरी नहीं खरीद रहे, जिसके बारे में सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी ने जिलाधिकारी सुधा वर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि चकोरी खरीदने का अनुबंध 31 मई 2024 तक है। चकोरी प्लांट मालिकों के मना करने के कारण हजारों किसानों की चकोरी की बिक्री नहीं हो रही है। प्लांटों पर लगभग 80 ट्रैक्टर ट्रॉली बिक्री के लिए खड़े हैं। अगर चकोरी को नहीं खरीदा गया तो किसानों को लाखों का नुकसान होगा। आज हमने कासगंज जिलाधिकारी सुधा वर्मा जी को ज्ञापन दिया है। चकोरी जो प्लांट मालिक हैं उन्होंने किसानों के साथ एक अनुबंध किया था कि हम आपको 7000 रुपये प्रति क्विंटल बीज प्रति किलो बीज दे रहे हैं और जब फसल हो जाएगी तो आपको 700 रुपये प्रति क्विंटल हम खरीद लेंगे।
लेकिन अब ये चकोरी प्लांट मालिक उन किसानों से फसल नहीं खरीद रहे हैं। हर चकोरी प्लांट पर 70-70, 80-80 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, फसल से लदे हुए हैं, लेकिन उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही है। 7-8 दिन हो गए वो किराए का ट्रैक्टर करके लाते हैं, वो किराए भी नहीं दे पाएंगे 7-8 दिन का। तो हम डीएम मैम से आज मिले थे और उनसे आग्रह किया है कि एसडीएम देवाल ब्लॉक में वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार करने में वन विभाग, पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें दो वन्य जीव तस्करों को मुखबिर की सटीक जानकारी से वन्य जीव के बेशकीमती अंगों के साथ गिरफ्तार किया गया। वन्य क्षेत्र अधिकारी हरीश रुपयाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कुमाऊं और गढ़वाल की संयुक्त टीम के वाणगांव निवासी बलवंत सिंह और कालिंग गांव निवासी मेहरवान सिंह को देवाल में घेराबंदी कर हॉस्पिटल दराय के पास गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से अनुमानित 20 लाख रुपए के भालुओं की पित्त बरामद हुई है। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि दोनों तस्करों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वन्य जीव जंतुओं की अवैध तस्करी में लिप्त लोगों को रोकने के लिए, उनको पकड़ने के लिए हमारे बद्रीनाथ प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कल एक अभियान वन विभाग, पुलिस प्रशासन और एसटीएफ कुमाऊं द्वारा चलाया गया, जिसमें मुखबिर खास की सूचना पे दो अभियुक्तों को भालू के पित्त के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। कानपुर शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर सभी अधिकारी अब सड़कों पर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने गुरुवार और शुक्रवार को सुबह शहर के सबसे व्यस्तम चौराहे घंटाघर बड़ा चौराहा पर भ्रमण किया। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राउंड हैंडलर से भी सभी को बताया कि किसी प्रकार का अतिक्रमण रोड पर ना करें। इसके साथ ही निरीक्षण करने के उपरांत यातायात पुलिसकर्मियों के साथ जाम लगने के कारणों की समीक्षा की गई। चुनाव के बाद पुलिस कमिश्नर साहब ने निर्देश दिया था कि जो भी चौराहे तिराहे हैं, जाहिर सी बात है कि काफ़ी फोर्स हमारा ट्रैफिक का भी बाहर गया है चुनाव में, तो गर्मी भी है, गर्मी को लेकर के भी ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी बिजी रहता है। तो सर का जो निर्देश है कि सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी क्षेत्र में निकलें और एक एक दो दो चौराहे का डेली विजिट करें। दो चीज़ों पे निर्देश है कि चौराहे का जो डिसिप्लिन है, लगभग 50 से 100 मीटर जो चौतरफा चौराहा है वो क्लियर हो, और वहाँ पर जो अतिक्रमण है वो क्लियर हो। छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं, होटल वाले लगा लेते हैं। कानपुर में 36 लाख के फ्रॉड में कानपुर साइबर क्राइम पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पिछले महीने की 28 तारीख को श्यामनगर की रहने वाली एक महिला ने ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के नाम पर टेलीग्राम के माध्यम से कुछ लोगों से लगभग 36 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली थी, जिसके बाद महिला ने कानपुर कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने मुकदमा दर्ज कराया था। साइबर क्राइम पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए लगभग 7 लाख रुपए फ्रीज कर दिए थे। साथ ही जिस जिस खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे उन खातों को फ्रीज कर दिया था। वहीं पुलिस ने पूरे प्रकरण में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। में मुकदमा अपराध संख्या 34/24 पंजीकृत किया गया था। इसमें वादिनी थी आकांक्षा गुप्ता, उनका दो दिन में 24 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में 36 लाख रुपया साइबर फ्रॉड के माध्यम से गया था। तो उसी पर कार्रवाई करते हुए एक अकाउंट हमको संदिग्ध मिला था, जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए हमको जो मुख्य क्रिमिनल था, जिसका अकाउंट यूज हुआ है, जिसमें पैसा आया था, उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सुनील है। जो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्क करता था और इसको जो जिसके कहने पर ये काम कर रहा था, जिसने अकाउंट दिया, उसका नाम। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।